लोहरदगा का सांसद सुखदेव भगत ने मंत्री रामेश्वर उरांव पर जमकर हमला बोला है। हाजी अफसर कुरैशी को मंत्री का प्रतिनिधि बनाने पर सुखदेव भगत ने सवाल उठाए हैं। सुखदेव भगत ने कहा कि मैं आज तक नहीं जानता था कि मंत्री का भी प्रतिनिधि होता है। उनके सोच, उनके ये पे मुझे तरस आता है। ये तो पहली बार मैंने सुना कि मंत्री का भी प्रतिनिधि होता है, और ये मैं किनको वो धोखा दे रहे हैं। वो संवैधानिक पद पे होते हुए इस प्रकार की बात वो कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ वो स्वयं को साथ साथ पूरे आवाम को धोखा दे रहे हैं। और निश्चित रूप से इस पर महामहिम राज्यपाल के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। क्या मंत्री का कोई प्रतिनिधि होता है क्या? ये तो मुझे, मैं कल बात करूंगा, मैं हमद प्रभारी जी से बात करूंगा। क्या उन्हें इतनी संवैधानिक जानकारी उन्हें नहीं है? और इसी खबर पर पूरी जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आसिफ ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। आसिफ, एक बड़ी खबर लोहरदगा से सामने आई, सांसद सुखदेव भगत ने अपने ही मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंत्री रामेश्वर उरांव का जो मंत्री प्रतिनिधि बना है उस पर सवाल उठाए गए हैं। पूरी जानकारी दर्शकों से साझा करें। जी बता दें, एक नई बहस जो है लोहरदगा में, आपस में ही दोनों कांग्रेस के ही नेता है, रामेश्वर उरांव जो है झारखंड सरकार में मंत्री भी है और वर्तमान में सुखदेव भगत जो है लोहरदगा लोकसभा के सांसद है, उन्होंने सवाल खड़ा किया है। कुछ दिन पहले एक लेटर जारी कर माननीय मंत्री ने लोहरदगा के ही एक समाजसेवी अफसर कुरैशी को अपना मंत्री प्रतिनिधि नियुक्त किया, जिस पर कड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए उन्होंने कहा यह असंवैधानिक है और राज्यपाल से मैं इसकी शिकायत करूंगा और इसको बर्खास्त किया जाना चाहिए, क्योंकि ये आदमी जो है अफसर कुरैशी खुले तौर पर लोकसभा के चुनाव में वो चमरा लिंडा के साथ खड़े थे, बाकायदा उनके लिए कई सभाएं की, उनके लिए खुले तौर पर उन्होंने वोट मांगा, पार्टी के साथ भी ये विरोध का मामला बनता है और इसकी शिकायत मैं प्रभारी से भी करूंगा, ये सुखदेव भगत का कहना है। बिल्कुल आसिफ, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर लोहरदगा से सामने आई, सांसद सुखदेव भगत ने अपने ही मंत्री रामेश्वर उरांव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंत्री प्रतिनिधि बनाए जाने पर उन्होंने सवाल खड़ा किए और ये तक कहा है कि मैं आज तक नहीं जानता था कि मंत्री का भी कोई प्रतिनिधि होता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।